आज के इस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गुजरात राज्य के भावनगर शहर की सैर कराएंगे। भावनगर एक राजवी शहर है। भावनगर कला और संस्कार की नगरी भी कहलाती है। इस शहर की स्थापना सन 1743 में महाराजा भावसी गोहिल ने की थी। इनके शासन दरमियान राज्य में कई इमारतें व धर्मस्थानों की स्थापना की गई थी। महाराजा तख्त सिंह जी और महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने भी अपने काल में भावनगर राज्य के विकास में बड़ा योगदान दिया था। हम इस वीडियो में भावनगर के कई सुंदर स्थलों की मुलाकात करेंगे। आज की सफर हम गंगाजलिया लेक से करेंगे, जो भावनगर शहर के मध्य में स्थित है। यह खूबसूरत लेक के किनारे पर मुलाकातियों और जॉगर्स के चलने के लिए पाथवे बनाया हुआ है तथा मुलाकातियों को बैठने की सुविधा भी बनाई हुई है। यह लेक के मध्य बिंदु तक आप जा सकते हो और वहां गंगा देवी का स्टैच्यू स्थापित है। इस सुंदर गंगा जलिया तालाब में आप कई पक्षियों को भी देख सकते हो। गंगा देरी या गंगा छतरी एक खूबसूरत इमारत गंगा जालिया तालाब के किनारे पर है। यह ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। महाराजा तख्त सिंह जी ने अपनी पत्नी की याद में यह इमारत बनवाई थी। काठियावाड़ी वर्कर्स ने यह मॉन्यूमेंट संगमरमर के पत्थर पर बेहतरीन नक्काशी से बनाया। इस इमारत की सुंदर नक्काशी में आप उस समय का भावनगर स्टेट का सिंबल भी देख पाएंगे। महाराजा ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ध्यान में लेते हुए इंडो सार्सनिक शैली से यह गंगा देरी बनवाई थी। अब हम गंगा जलिया लेक के कुछ ही नजदीक मोतीबाग टाउन हॉल पर आ गए हैं। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के विवाह के समय यह हॉल बनवाया गया था, जो सिर्फ 90 दिन में ही तैयार किया गया था। राज विवाह में यह लग्न मंडप बना था। इंडो सार्सनिक शैली से यह मोतीबाग हॉल बनवाया गया था। इस तरह की शैली का मॉन्यूमेंट कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। भावनगर स्टेट भारत संघ में विलीन होते हुए यह मॉन्यूमेंट सरकारी बन गया और इसका उपयोग कुछ ऑफिसों के लिए किया गया। इस भवन का पोर्च यानी कि मुख्य द्वार अति सुंदर है। मोतीबाग टाउन हॉल के प्रांगण में महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की एक सुंदर प्रतिमा भी है। भावनगर शहर के मध्य में ही गांधी स्मृति और बार्टन म्यूजियम एक क्लॉक टावर के नज़दीक महात्मा गांधी के स्मारक के रूप में खड़ा है। इस इमारत को 1955 में स्थापित की गई थी और यहां महात्मा गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई किताबें और अन्य वस्तुएं तथा उनके दुर्लभ फोटोग्राफ्स का एक बड़ा संग्रह है। पुस्तकालय तस्वीरों के माध्यम से गांधी जी के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाता है। गांधी स्मृति वर्षों से मुलाकातियों का आकर्षण भी बना हुआ है। अब हम भावनगर की एक अति सुंदर इमारत देखने जा रहे हैं। यह है नीलमबाग पैलेस हेरिटेज होटल, भावनगर के राजवी परिवार का निवास स्थान।
इस पैलेस का निर्माण भावनगर राज्य की स्थापना के कुछ 100 साल के बाद हुआ। महाराजा तख्त सिंह जी ने इस महल का निर्माण करवाया था। श्री प्रॉक्टर सिंस जो राज्य के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस पैलेस की डिजाइन बनाई थी। महाराजा तख्त सिंह जी ने यह महल अपने पुत्र महाराजा भाव सिंह जी दो के लिए बनवाया था। राजूला से लाए हुए पत्थरों से यह नीलमबाग महल का निर्माण हुआ था। राजा तख्त सिंह जी कला में निपुण थे, इसलिए उन्होंने पैलेस में कई पेंटिंग आर्टिस्ट्स को इनवाइट करके खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाए थे। महल में ब्रिटिश आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस रहा है। महल का फर्नीचर बर्मा टिक वुड से बनाया गया था। फिलहाल यह नीलमबाग पैलेस एक पंचतारक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो गया है, जो कि एक सबसे पुरानी हेरिटेज होटल है। इसके अंदर एक गार्डन रेस्टोरेंट भी है। होटल की लॉबी बेनमून है। मुलाकातियों को यह होटल का कुछ हिस्सा ₹100 की फीस के साथ दिखाया जाता है। भावनगर की सबसे पुरानी स्कूल अल्फ्रेड्स हाई स्कूल है, जिसकी स्थापना सन 1877 में की गई थी। हाल में यह स्कूल शांतिलाल शाह हाई स्कूल के नाम से पहचानी जाती है। अब हम भावनगर शहर के मध्य में स्थित सबसे पुरानी बार्टन लाइब्रेरी का ब्यौरा करेंगे। यह लाइब्रेरी करीब 140 वर्ष पुरानी है। उस समय में यह काठियावाड़ की प्रथम लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन महाराजा तख्त सिंह जी गोहिल के हस्तों से हुआ था। आज लाइब्रेरी में करीब 61,000 किताबें गुजराती, हिंदी व अंग्रेजी भाषा में है। महात्मा गांधी जी इस लाइब्रेरी का उपयोग करते थे। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने इस लाइब्रेरी के विकास में कई कदम उठाए थे। आइए कुछ और जानकारी हम इस लाइब्रेरी के स्टाफ मिस रिपल परमार से सुने। बार्टन लाइब्रेरी की शुरुआत 30 डिसेम्बर 1882 140 वर्ष पूरा थशे अने अहीं बधुं बार्टन कर्नल ना नाम पर थी आ लाइब्रेरी नुं नाम पाड़वामां आव्युं छे अने एकदम जूनुं बिल्डिंग छे, हेरिटेज मां आवे छे અને જૂના પુસ્તકો જેમ કે હસ્તપ્રત, આપણી પાસે બધા જૂના જે બીજી લાઇબ્રેરીમાં નથી બધી બુક્સ અહીંયા અવેલેબલ છે। જૂના જે પહેલાંના રાજા મહારાજાના કલમથી મુનિઓ લખતા એના હસ્તપ્રતને બધું અહીંયા અવેલેબલ છે। અને ટૂંકમાં આપણો એક સાંસ્કૃતિક વારસો જળવાઈ રહે એની માટે આનું મેન્ટેન કરવામાં આવે છે। अब हम भावनगर के दरबार गढ़ की विजिट करेंगे। भावनगर राज्य की स्थापना महाराजा भाव सिंह जी ने सन 1723 में की थी और दरबार गढ़ की स्थापना महाराजा विजय सिंह जी के समय में करीब सन 1800 के आसपास हुई थी। महाराजा और उनकी 20 रानियां इस दरबार गढ़ में रहते थे। तत्पश्चात महाराजा तख्त सिंह जी और उनका परिवार भी इस दरबार गढ़ में रहता था। दरबार गढ़ राजूला व पोरबंदर के पत्थरों से बना हुआ है। सुंदर नक्काशी से बना यह दरबार गढ़ के दो मुख्य द्वार हैं। उस पर की जालियां वुडन और स्टोन से बनी है। दरबार गढ़ का कुछ हिस्सा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 99 वर्ष के लीज पर दिया गया है। यह स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इस एपिसोड के अंत में हम राज समाधि का स्थल देखेंगे। भावनगर के राज परिवार में निधन के बाद जनता का आदर और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में यह राज समाधियां है। इस स्थल पर राजा तख्त सिंह जी की समाधि, राजा भाव सिंह जी की समाधि, राजा जसवंत सिंह जी की समाधि, माजीराज बा की समाधि व केशा बा की समाधियां है। यहां पर 3 शिव मंदिर भी है। राजाओं के समय में गंगा जल या तालाब का पानी राज समाधि तक विस्तृत था। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की समाधि भी यहाँ पर है और लोग यहाँ श्रद्धा सुमन के लिए आते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। पार्ट 2 में हम भावनगर के अन्य देखने लायक स्थलों की जानकारी देंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।